नोएडा से खबर है, एसी ग्रुप पर आईटी का छापा पड़ा है। नोएडा, दिल्ली और आगरा में आईटी का छापा पड़ा है। एनसीआर के बड़े बिल्डर हैं अजय चौधरी, उनके ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है। एसी ग्रुप को नोएडा, दिल्ली, आगरा आदि ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा है। बड़े पैमाने पर छापेमारी जारी है। आईटी की टीम कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीआर के बड़े बिल्डर हैं अजय चौधरी, उनके ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है और लगातार इनकम टैक्स छापेमारी कर रहा है। बड़े पैमाने पर छापेमारी जारी है। निशांत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ सीधा जुड़ रहे हैं। निशांत, क्या अपडेट है इस छापेमारी में? आसिफ, देखिए, लगातार जो बड़े कारोबारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, उन पर लगातार आईटी की रेड देखने को मिल रही है। वही एनसीआर का ये बड़ा बिल्डर है, एसिस बिल्डर, नोएडा, दिल्ली, आगरा समेत कई एरियों में इस पर रेड जारी है। लगातार इस पर रेड जो आईटी है अपनी टीम के साथ छापेमारी कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि रेड के बाद जो निकल के आता है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखा जा रहा है कि कई टीमें जो लगी हुई हैं, कई टीमें छापेमारी कर रही हैं, और उसी को लेकर अब कहीं ना कहीं हैरानी की बात है कि एक बड़ा बिल्डर है जिस पर ये रेड जारी है। निशांत, क्या अनुमान है, क्या चीजें हो सकती हैं इसके बाद, क्योंकि कार्रवाई हो रही है, इसके बाद क्या परिणाम निकल कर सामने आ सकते हैं वो बड़ी चीज है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो नाम एसी बिल्डर्स ने कमाया या जो भी इन्होंने काम किया उस पर बहुत बड़ा आप कह सकते हैं ड्रॉबैक होगा इनके लिए। छापेमारी हुई है, अगर कुछ चीजें बरामद होती जाहिर सी बात है एक ब्रांड वैल्यू पर असर पड़ेगा। निशांत, कहीं ना कहीं जो ब्रांड वैल्यू है उस पर असर तो पड़ता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही सामने आने वाली बात है कि आईटी विभाग की कई टीमें एनसीआर में लगी हुई हैं, आगरा में लगी हुई हैं, नोएडा, दिल्ली, तमाम एरियो में यहाँ पर जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, कागजों को खंगल किया जा रहा है, इनके दफ्तर पर रेड की गई है, इनके आवास पर रेड की गई है अजय चौधरी के, तो कहीं ना कहीं उसकी कुंडली निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद पता लग पाएगा कि आईटी की रेड के बाद क्या कुछ सामने आया है। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि चुनाव पास आ रहे हैं और उसी को देखते हुए लगातार जो आईटी विभाग है वो लगातार ताबड़तोड़ अपनी इनकम टैक्स की जो रेड है वो लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया निशांत हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो निशांत शर्मा जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि छापेमारी चल रही है, धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी कि क्या चीजें बरामद हुई है वहां से, ये देखने वाली बात होगी। पमी जैन को लेकर कन्नौज पहुंची है आयकर की टीम। सोमवार को पूरे दिन कानपुर के ठिकानों पर रेड पड़ी। पमी जैन को साथ लेकर कानपुर की टीम पहुंची थी। आईटी टीम पम्मी जैन के भाई और बहनों के घर पर दोबारा रेड डाल रही। कई बैग संदिग्ध मिले हैं, ज्वेलरी मिली है, इस तरह का सामान बरामद हुए, जिसको लेकर लगातार खबरें बनी हुई हैं। छापेमारी चल रही है पुष्पराज जैन और पम्मी जैन, समाजवादी पार्टी के MLC, उनके ठिकानों पर, और बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की टीम को कई चीजें मिली हैं। पम्मी जैन के ठिकानों पर आईटी की टीम और राहुल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं कन्नौज से, और राहुल बताएंगे कि क्या अपडेट है। राहुल, क्या अपडेट है फिलहाल इस छापेमारी में, क्योंकि खबरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं कि छापेमारी चल रही है, कानपुर से लेकर कन्नौज तक हमारे रिपोर्टर्स लगे हुए हैं, आप भी पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा अपडेट क्या निकल कर सामने आया है पम्मी जैन के ठिकानों पर चल रही छापेमारी से। जी आशीष जी, जिस तरह पम्मी जैन और मोहम्मद याकूब के घर इत्र कारोबारी, दोनों ही इत्र कारोबारी हैं, लेकिन पम्मी जैन जो कि उन्होंने हाल फिलहाल में ही सपा के लिए एक इत्र तैयार किया था, जिसके बाद पम्मी जैन और मोहम्मद याकूब के घर दिन पे दिन लगभग 31 तारीख को सुबह 7 बजे छापेमारी हुई थी, जिसके बाद आयकर विभाग ने जब मोहम्मद याकूब के घर जो छापेमारी की गई थी उनके यहाँ पर लगभग 3 करोड़ की नकदी और जो भारी मात्रा में गोल्ड बरामद किया है, जिसको आयकर विभाग की टीम ने बैंक में सुरक्षित रखवाया। अब बात करते हैं पम्मी जैन की, तो पम्मी जैन को आयकर विभाग की टीम कानपुर, उनके भाई और पम्मी जैन को कानपुर के लिए लेकर गई थी, जहां पर उनके बहनों और भाइयों के घर भी छापेमारी की गई, लेकिन अभी भी यह छापेमारी जारी है। हालांकि इत्र कारोबारी जो पम्मी जैन है वह
आयकर विभाग के टीम के साथ अभी भी मौजूद है, जो कानपुर से कल रात को लेकर कन्नौज पहुंची है और उनके घर पर भी अभी भी छापेमारी चल रही है जी। देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि जो पम्मी जैन की है, दिन पर दिन मुश्किल बढ़ती जा रही है, और जब इत्र कारोबारी जो पम्मी जैन की बात आती है तो इस पर सियासती भी दिन पर दिन गर्म होता जा रहा है, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, ठीक है, छापेमारी चल रही है, सियासत हो रही है एक तरफ, मुझे थोड़ा बताइए कि पम्मी जैन का बैकग्राउंड कैसा रहा है। कन्नौज से आप रहने वाले हो, कन्नौज में आप चीजों को बारीकी से समझते होगे, देखते होगे। टेल मी समथिंग अबाउट पम्मी जैन, पम्मी जैन के बारे में थोड़ा बताइए कि अभी तो ये चर्चा में आए जब इन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च किया, इनका इतिहास क्या रहा है, ये भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, और छापेमारी किस तरीके से आगे अभी और बढ़ेगी, इस पर भी जरा प्रकाश डालिए राहुल जी। आशीष जी, देखिए, पम्मी जैन की बात की जाए तो पम्मी जैन शुरू से ही इत्र कारोबारी रहे हैं, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड की बात की जाए तो अच्छा सा था, लेकिन जब इन्होंने ये बात करें समाजवादी पार्टी का जो इत्र लॉन्च किया है, इसके बाद ये एमएलसी भी रहे हैं, तो सबसे ज्यादा एमएलसी के बाद बात यह राजनीति में भी उतर आए हैं, तो कहीं ना कहीं जब राजनीति में उतर आए हैं, जिसके बाद आयकर विभाग ने इससे पूर्व जो पीयूष जैन के घर छापेमारी की गई थी, वह भी पम्मी जैन के धोखे से पीयूष जैन के घर पर छापेमारी हुई, तो पता यह चला था कि पीयूष जैन के घर पर भारी मात्रा में गोल्ड व नकदी बरामद हुई, जिसके बाद वह जो आईटी की टीम ने छापेमारी समापन की थी। ठीक है राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए आप हमारे साथ, एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। लेकिन सूरज पांडे हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़ गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा हम जानकारियां दे सकते हैं, क्योंकि कन्नौज से टीम लेकर कानपुर ही पहुंची थी पम्मी जैन को। सूरज, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आपको मेरी आवाज मिल रही है, तो जरा बताएं कि कानपुर में जब हिरासत में लेकर पहुंची टीम कन्नौज से पम्मी जैन को, तो वहां पर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या चीजें वहां से बरामद हुई, और कब कानपुर से दोबारा कन्नौज पहुंची है लेकर उनको टीम। बिल्कुल, आपको बता दें समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च करने वाले और समाजवादी पार्टी से एमएलसी पम्मी जैन और जिनका नाम पुष्पराज जैन है, उनको कन्नौज से हिरासत में लेकर आयकर विभाग की टीम ने कानपुर पहुंची थी, और उसके बाद कानपुर में उनके भाई अतुल जैन है, उनके घर पर छापेमारी की गई। लगातार टीमों ने उनके घर पर छापेमारी की, और तकरीबन 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद, उस घर से निकलने के बाद, आनंदपुरी में स्थित अपने उनके जो पम्मी जैन है उनके साले हैं अनूप जैन के घर पर पिछले 3 दिन पहले भी छापेमारी आयकर विभाग की टीम ने की थी, और उसके बाद पुष्पराज जैन और पम्मी जैन को लेकर आयकर विभाग की टीम अनूप जैन के घर पर पहुंची, और तकरीबन सुबह की तकरीबन आपको बता दें कि 12 बजे टीमें पहुंची थी, और उसके बाद 2:30 से 3 बजे कल रात में टीम उनके अनूप जैन के घर से निकली है, और उसके बाद पुष्पराज जैन और पम्मी जैन को लेकर कन्नौज के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि जब आयकर विभाग की टीम ने पम्मी जैन के साथ छापेमारी की, तो उस दौरान 2 घंटे की छापेमारी के बाद एसबीआई के कुछ अधिकारियों को भी बुलाया गया, और उसके बाद कुछ ऐसे भी अधिकारी आए जिन्होंने दबे लफ्जों में बताया कि वो गोल्ड चेक करने के लिए आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं से अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि आयकर विभाग की टीम कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी, मगर जो एसबीआई के अधिकारी आए थे, सूरज, ये माना जाए कि माना जाए कि जब कानपुर में रेड पड़ी, जब कानपुर में टीम पहुंची कन्नौज से, तो चीजें बरामद हुई हैं, गोल्ड ज्वेलरी बरामद हुई, दस्तावेज बरामद हुए कानपुर में, क्या इस बाबत कोई जानकारी इनपुट? बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें कि आयकर विभाग की टीम जब अनूप जैन के घर पर छापेमारी कर रही थी, तो वहां पर एसबीआई के कुछ अधिकारी वहां पर आए हुए थे, और एसबीआई के अधिकारियों से जब हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया, तो उनमें से एक अधिकारी ने ऐसा बोला कि वो यहां पर उनको आयकर विभाग की टीम ने बुलाया है और गोल्ड का चेक करने के लिए आए हैं। ऐसे में देखिए दो चीजें साफ हो सकती है, या तो अनूप जैन के घर में कुछ गोल्ड बरामद हुआ होगा, या तो एसबीआई के कुछ ऐसे लॉकर बरामद हुए होंगे या दस्तावेज बरामद हुए होंगे, जिसकी कागजों या दस्तावेजों या चाबियों की या लॉकर की चेकिंग कराने के लिए एसबीआई की टीम को बुलाया गया होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं से अभी कुछ भी कह पाना कि क्या बरामद हुआ है, ये थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि आयकर विभाग की जो टीम है वो पुष्पराज जैन को लेकर कन्नौज के लिए रवाना हो गई, और कन्नौज के बाद फिर से जो जांच के बाद सामने बात आएगी। अधिकारियों ने जब हम लोग जब वहां पर अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया, तो देर शाम की बात करें तो अधिकारी बाहर निकल कर आए, और उन्होंने कहा कि वह काफी परेशान है और वह कड़ी मशक्कत कर रहे हैं इस पूरे मामले को खोलने के लिए। एक चीज और क्लियर कर दीजिए सूरज, एक चीज और क्लियर कर दीजिए, क्या पम्मी जैन के अलावा इनके भाई और बहनों को विरासत में लिया गया है, क्या इनको लेकर भी कन्नौज पहुंची है टीम, कि वो लोग अभी कानपुर में ही है? जी देखिए, हिरासत में लेने की बात है तो हिरासत में केवल पुष्पराज जैन को लेकर कन्नौज से टीम यहाँ पर आई थी, और उसके बाद अनूप जैन के घर पर जब छापेमारी हुई
तो अनूप जैन जो कि बीमार हैं और वो मुंबई में रहते हैं, उनका बेटा जरूर यहाँ पर आया था और बेटे के सामने क्योंकि मकान को सीज किया गया था और बेटे के सामने मकान को खोला गया और उसके बाद छापेमारी हुई। आपको बता दें कि अनूप जैन का जो घर है, अनूप जैन के घर के सामने दो बंगले बने हुए हैं, दोनों में लगातार ये छापेमारी की गई थी और जो टीम यहाँ पर छापेमारी करने के लिए आई थी वो लखनऊ यूनिट की एक टीम थी और दो कानपुर यूनिट की टीम थी। और सबसे बड़ी बात ये रही कि काफी बड़ी तादाद में टीम जो थी वो दस्तावेज और अपने साथ कागजात लेकर आई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं से एक बात तो साफ है कि टीम के हाथ कुछ ना कुछ दस्तावेज जरूर लगे हैं जिनकी पड़ताल करने में तकरीबन आज छह दिनों से लगातार। ठीक है, आप नजर बना के रखिए सूरज, आप नजर बना के रखिए, जो कि आप कानपुर में हैं तो बेहतर इनपुट वहां से मिल पा रहे हैं। आगे हम आपसे अपडेट जरूर लेंगे कि क्या क्या चीजें और बरामद हुई हैं कानपुर से और कन्नौज से, ये बहुत देखने वाली बात होगी। सिद्धार्थनगर से एक बड़ी खबर लेते हैं, बीजेपी के विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह का, उनका विवादित बयान आया। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी को खुला चैलेंज दिया है मंच से खड़े होकर। राघवेंद्र प्रताप सिंह का ये बयान वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डोमरियागंज से विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने विवादित बयान दिया, चैलेंज किया है और कहा है कि अगर हिम्मत है तो वो सिद्धार्थनगर में आकर दिखाएं। ये बात कही है राघवेंद्र प्रताप सिंह, जो कि विधायक हैं डुमरियागंज से भारतीय जनता पार्टी के। 2017 में उन्होंने चुनाव जीता और एक बड़े अपने आप को हिंदुवादी नेता के तौर पर कहते हैं खुद को, और इस बीच एक बड़ा बयान ललकारते हुए इन्होंने क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी को, वो मैं आपको सुनाता हूं। अरे मैं कहता हूं तुम्हारी अम्मी ने अगर दूध पिलाया है सुन लो हमारी बात, आज जिसको करना कर लो, अगर असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी अम्मी ने दूध पिलाया है तो सिद्धार्थनगर में दिखा खा करके दिखाओ, हम तुम्हारा पैजामा निकाल करके तुमको वापस देंगे। इस विवादित बयान के बाद बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज ऊधम सिंह नगर दौरा है। दोपहर 12:45 पर शहीद स्मारक स्थल पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण का एक कार्यक्रम है सीएम धामी का। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा को भी संबोधित करेंगे धामी। ब्याज मुक्त ऋण वितरण कार्यक्रम में भी पुष्कर धामी शामिल होंगे। बुलंदशहर से खबर है, सियाना हिंसा मामले में मुख्य आरोपी की जमानत खारिज हो गई है। योगेश राज की जमानत सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी योगेश राज को निर्देश दिए हैं, योगेश राज को 7 दिन में सरेंडर करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। योगेश राज को 9 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली थी। प्रयागराज हाईकोर्ट से योगेश राज को जमानत मिली थी। शहीद इंस्पेक्टर सुबोध की पत्नी ने जमानत का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द करने के आदेश अब दे दिए हैं और कह दिया गया कि इतने दिनों के अंदर आपको सरेंडर करना होगा। प्रयागराज हाईकोर्ट से जमानत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को खारिज कर दिया क्योंकि सिपाही की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में, शहीद इंस्पेक्टर सुबोध की पत्नी ने जमानत का विरोध किया था सुप्रीम कोर्ट में। अब एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और फेमस चेहरे मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। परसों रात से अस्वस्थ महसूस कर रहे थे मनोज तिवारी ने ट्वीट कर खुद यह जानकारी दी है। तो ये एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के पॉजिटिविटी के बाद अब खबर आ रही है कि मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बीजेपी सांसद दिल्ली से मनोज तिवारी सांसद हो गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं और इन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। बरेली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, 13 लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। दोबारा दुबई से लौटा शख्स पाया गया कोरोना पॉजिटिव। एक एक सेवानिवृत्त पुलिस और स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 सैन्यकर्मी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई। अलीगढ़ से खबर है, क्रिकेट मैच के दौरान दो पक्षों में झड़प देखने को मिली है। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है। गाड़ियों पर भी तोड़फोड़ हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितने ईंटें पत्थर चले हैं उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बिखरे हुए हैं वहां पर ईंट पत्थर। पुलिस पहुंची वहां पर हाथों में लाठियां लेकर
तब जाकर थोड़ा मामला कंट्रोल हुआ। ये तस्वीर देखिए, दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव, ईंट पत्थर चले हैं। आगरा की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आगरा में क्रिकेट मैच हुआ, क्रिकेट मैच के दौरान दो पक्षों में झड़प हुआ और आगरा की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से ईंट पत्थर चले हैं और वो ईंट पत्थर इस वक्त जमीन पर बिखरा आपको नजर आ रहा होगा। क्रिकेट मैच हुआ, दो पक्षों में झड़प हुई और झड़प इस कदर हुई कि कम से कम 30-35 सिपाही पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे, तब जाकर मामला अंडर कंट्रोल हुआ। आगरा की यह खबर, ये तस्वीर। उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक ही समुदाय के दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर पथराव हुआ। इस समय हम जनपद आगरा के कस्बा शमशाबाद के उस जगह पर स्थान पर मौजूद हैं जहां बवाल हुआ था। आप देख सकते हैं कि जहां आपकी नज़रें जाएंगी वहां आपको पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे। ऐसा महसूस हो रहा है कि यह रोड पत्थरों से पटा हुआ है। आपको बताते चले कि यहाँ टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा था, इसी दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर पथराव हुआ। कई लोगों का कहना यह भी है कि कई राउंड यहाँ हवाई फायरिंग भी हुई। बहरहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, तमाम पुलिस यहाँ मौके पर उपस्थित है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तमाम पुलिस फोर्स यहाँ मौके पर उपस्थित है। शमशाबाद में उस समय अफरा था। चलिए बढ़ते आगे। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में हमारे दो जवान शहीद हो गए। इसमें जौनपुर के बदलापुर तहसील के बरैया के रहने वाले सुरेश यादव भी शामिल हैं। सुरेश यादव ने भी देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अपनी जान न्यौछावर कर दी। इस खबर के बाद शहीद सुरेश यादव के गांव के साथ साथ आसपास में भी माहौल गमजदा है। प्रतापगढ़ में एक बार फिर नशे में धुत सिपाही ने खाकी को शर्मसार किया है। वो तस्वीर देखिए। सबसे पहले नशे में धुत सिपाही वर्दी का रौप, हाथ में डंडा लेकर राहगीरों को परेशान करता रहा। इतना नहीं, सिपाही पर महिलाओं के साथ भी बदसलूकी का आरोप लगा है। पुलिस लाइन में नशे में धुत सिपाही लाठी लेकर चलता रहा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। जो पूरा मामला है वो नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का है। ये तस्वीरें भी वहीं थी।